अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूँ सवात नान। नाज़रीन, मुल्क के सियासी माहौल की बात की जाए तो उसमें गर्मा गर्मी आती रहती है, टेम्परेचर कभी अप और कभी डाउन, लेकिन मुल्क को इस वक्त बहुत से अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। इन अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को देखते हुए अगर अपनी पॉलिसीज को देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि हमारी बनाई गई पॉलिसीज क्या दुरुस्त हैं, क्या दुरुस्त सम्त पे जा रही हैं, या इनको मजीद रिविजिट करने की जरूरत है। इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। खुशामदीद कहती हूँ ब्रिगेडियर साहब आपको अपने प्रोग्राम में। ब्रिगेडियर साहब, हम इंटरनली और जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं इस हवाले से बात करेंगे कि जो पॉलिसीज बनाई गई हैं क्या वो दुरुस्त सम्त पे जा रही हैं या इसमें मजीद इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे पहले जिक्र करूंगी मैं नेशनल एक्शन प्लान का। आपको क्या लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान के लिए किस हद तक जरूरी है और किस हद तक इस पर अमल दरामद किया जा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में हम नेशनल एक्शन प्लान को रिलेट कर लेते हैं वो जो कुछ APS में बच्चों के साथ हुआ था जी। और उसके बाद जिस वक्त तमाम पार्टीज बैठी और गवर्नमेंट ने ये अंदिया दिया, ये डिटर्मिनेशन जाहिर की कि जी हम ये जो मैनस है इसको कंट्रोल करेंगे और उसके लिए हम कसीर तादाद जो है वो एक्शंस लेंगे, वाइड स्प्रेड एक्शंस लेंगे। अब उसके अंदर जब इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया तो उसके अंदर कोई नई चीज़ तो डाली नहीं गई थी, ना कोई नई चीज़ इन्वेंट की गई थी। पाकिस्तान में उस वक्त से जब तक सेक्टेरियन टेररिज्म शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे जब से शिया सुन्नी फसादात शुरू हुए थे, जब लश्कर जंगवी बना, उसके बाद सिपाही मोहम्मद बनी और पाकिस्तान में एक क्लिन का आगाज़ हुआ, उसके बाद से लेके APS तक जितने मुख्तलिफ अदवार में जो कवानीन बनाए गए थे उनको उठा के एक जगह डाल दिया गया। उसमें हेट लिटरेचर था, उसमें सेक्टेरियनिज्म को कंट्रोल करना था, उसमें मदरसों की इंस्पेक्शन थी, उसमें आपको उसमें आपने अपने जो डिसिडेंट एलिमेंट्स हैं उनको करना था, जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनको प्रोस्क्राइब करना था। असल में इसमें दो चीज़ें जो नई आई थी वो थी, एक था नेक्टा का क्याम, क्योंकि अगर आप माजी में जाएँ और ये देखें कि जैसे अमेरिका में 9/11 हुआ और अमेरिका जो बहुत बड़ी जमहूरियत भी है, सबसे बड़ा दुनिया का टेक्निकली एडवांस्ड मुल्क है, हर किस्म की उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो उन्होंने 9/11 जो खुद साख्ता था, 9/11 भी अमेरिकन में ज्यूज ने और CIA ने मिल के करवाया था, क्योंकि उनका एक एजेंडा था जिसके जरिए उन्होंने अफगानिस्तान में आके तबाह व बर्बादी का एक जाल फैलाना था, अफगानिस्तान में लैंड करना था, जिस तरह उन्होंने कुवैत में हमला करवाया था इराक से, फिर उन्होंने सऊदी अरब में आकर लैंड किया और इराक को तबाह बर्बाद कर दिया। यही उनका एजेंडे का हिस्सा था कि एक ऐसा इवेंट करो जिसके जरिए उनको एक्सक्यूज मिले, UN से वो सेंक्शंस दें और उसके जरिए UN से अप्रूवल लें और जाके अफगानिस्तान में लैंड करें। उस खुद साख्ता 9/11 के बाद, जिसके ऊपर इस वक्त अमरीका में कोई 314 थिंक टैंक बन रहे हैं जो सिर्फ ये एनालाइज कर रहे हैं कि जो 9/11 हुआ था उसमें ज्यूज का कितना किरदार था, मुसैद का कितना किरदार था, उन्होंने वाशगोफ अंदाज में कह दिया कि 9/11 खुद साख्ता वाकया था जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने और बुश के साथ जो हवारी थे उन्होंने करवाया था, क्योंकि अफगानिस्तान में आके तोरा बोरा करना था। अब लेकिन उस वाक्य के बाद उन्होंने पहला काम किया था, सबसे पहला काम उन्होंने एक तो होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था और उसके साथ जो NSA थी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज एक बना के उसके अंदर जितनी भी एजेंसियां थी उन सबको उसके अंदर आके मिला दिया था। अब ये जब काम हो गया, तमाम एजेंसीज को नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के अंडर करके उसको आंसरेबल कर दिया था प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका के, ताकि तमाम की तमाम जो इनपुट है वो एक जगह पे आए और वहां से फिर वो जो है उसको डिसिप्ले उसको भेजे मुख्तलिफ अदारों को। पाकिस्तान में भी जरूरत इस अमर की थी कि जो नेशनल एक्शन के प्लान के अंदर जो आपने एक बुनियादी चीज रखी थी जो थी नेक्टा का क्या, यानी जिसने मुल्क में इंटेलिजेंस के निजाम को फेडरल से लेके प्रोविंशियल और प्रोविंशियल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बेहतर एक कोऑर्डिनेटेड लेवल पे एक ही अम्ब्रेला के नीचे आना था। तो दुख की बात यह है कि वो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके ऊपर आज तक गवर्नमेंट ने फंड्स अलॉट नहीं किए। अभी कुछ फंड अलॉट हुए हैं, वो चल रही है, तो इसका मतलब है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो बेसिक नुक्ता था को अभी तक फॉल नहीं किया गया। जी, नेशनल एक्शन प्लान का जो बेसिक नुक्ता था वो तो निग्लेक्ट होता रहा सियासी मसलहत की वजह से, कि ये डिसाइड नहीं हुआ कि जी अदारा बन जाएगा, पता नहीं क्या होगा इसका चेयर, यानी एक जातियात के अंदर एक सियासी मसलहत पे एक सियासत में घुस के गवर्नमेंट ने या जो है उस चीज को फॉल नहीं किया। दूसरी चीज थी जो आपने फॉरेक्स के रिलेटेड काम करना था जिसमें आपने FIA की कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ा दी,
ठीक वो एक्सक्यूज मी काट दे जिसमें आपने एफआईए की कैपेबिलिटी बढ़ानी थी कि बाहर से जो फंड्स आ रहे हैं या जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या जिस तरह इधर मुख्तलिफ अदारों को पैसा जाना है उसकी ट्रेल किस तरह है, उसको चेक किस तरह करना है, उसके लिए आपने कवानीन कौन से नाफिज करने हैं। तीसरा बात जो आपने करनी थी, अपने इमिग्रेशन का निज़ाम को बेहतर करना था। और ये तमाम चीज़ें अगर आप एक जगह कोऑर्डिनेट कर लेते तो हम ये कहते कि एक मुस्तकबिल में जब आप देखेंगे, देखिए आज अगर आप कुछ एक्शन करेंगे किसी मदरसे के खिलाफ, किसी ग्रुप के खिलाफ, किसी को प्रोस्क्राइब करेंगे तो वो आज की चीज होगी। आपने ये देखना है कि मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में 2020 में 2025 में आज आप ऐसे इकदाम करें कि ये दहशतगर्दी का मैनेस है ये दोबारा वापस ना आ सके और लोगों को सिक्योर करें। तो सिक्योर होता है, लोग सिक्योर होते हैं एक बेहतर इंटेलिजेंस निज़ाम से, एक बेहतर पॉलिसी से, आपकी बेहतर इमिग्रेशन से। जैसे आज गवर्नमेंट कर रही है कि जी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और वाकई बहुत जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में भी टेररिज्म के वाकयात होते हैं, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात, और उसमें बेताशा अफगान इन्वॉल्व हैं और रहे हैं। वो पाकिस्तान के कल्चर को अफगानियों ने तबाह किया है, इतने अफगानियों को हमने जिन्होंने पाकिस्तान में रखा उन्होंने पाकिस्तान को इतना बड़ा धोखा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकती। उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है और वो छुरा आज अब्दुल्ला अब्दुल्ला भी घोंप रहा है, वो हामिद करजई भी घोंपता रहा। तो आप जरूरत समर की है कि इस चीज को पहचानिए। आज आप बॉर्डर मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जो मुस्तकबिल में काम आएगी। तो जब आप नेशनल एक्शन प्लान के इन नुकात को लेती हैं, इन नुकात को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इन नुकात पे जिन पे अमल होना चाहिए था उसमें बहुत कम प्रोग्रेस है। हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात है पुलिस की कैपेबिलिटी पंजाब में भी और सिंध में भी इस तरह अपग्रेड करने की कोशिश गई है कि जो टेररिज्म के खिलाफ जो यूनिट्स लड़ती हैं, जैसे यहाँ पे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, सिंध में SIU हुई, इस तरह का अपना KPK में भी SIU और इलीट्स यूनिट्स हुई, बलूचिस्तान में भी करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया जिसके पैसे पड़े हुए हैं, अमल कोई हुआ नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, कुछ जिस तरह जो आपने देखा, आपने जो सिम्स को वेरीफाई करने की कोशिश की है और उसमें कुछ सिम्स ब्लॉक किए हैं, लेकिन अभी उसके अंदर जो कदगन आ रही है वो ये है कि अफगानिस्तान की जो सिमें ऑपरेट कर रही हैं उससे पाकिस्तान के अंदर ब्रिगेडियर साहब, फौज के और सिविल हुकूमत के किरदार को आप नेशनल एक्शन प्लान में किस तरह से देखते हैं, किसका ज्यादा कंट्रीब्यूट नजर आ रहा है? असल में मैं इसको जो है ना इसलिए जुदा नहीं करना चाहता क्योंकि फिर वो तफरीक आ जाती है कि एक डिपार्टमेंट की तारीफ कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट को आप जो है वो क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ वही अर्ज कर रहा हूँ कि आर्मी ने फिजिकल ऑपरेशंस करने थे। अब वो फिजिकल ऑपरेशंस जो है काउंटर टेररिज्म के खिलाफ, एक तो वो आपके फाटा में शुरू हो चुके थे, सवात से शुरू हुए, जरबेस पे कल्मिनेट हुए, उसमें मेमंद एजेंसी का ऑपरेशन है, सवात का ऑपरेशन है, तीरा का ऑपरेशन है, अपना औरंगजेब एजेंसी का ऑपरेशन है, खैबर 1 और खैबर 2 है। ये तमाम ऑपरेशन करके उन इलाकों में जहाँ पे इस दहशत गर्दों ने खास तौर पे वो तंजीमें जो पाकिस्तान से बाहर की तंजीमें थी, जिसमें IMU थी, कुछ अपना अरब तंजीम तनाजी तंजीमें थी जो वहाँ पे ऑपरेट करी थी, उनका दायरा इख्तियार, उनका जो उनको सिक्वीज करके इस तरह सिक्वीज कर दिया गया कि वो उनके जो बेसिस हैं और जहाँ पे वो अपने होल्डिंग्स बनाते थे वो तबाह कर दी गई। लेकिन वहाँ से कुछ लोग जो है निकल के आ गए आपके अर्बन एरियाज में, कोई कराची चला गया, लाहौर आ गया, फैसलाबाद चला गया, गुजरात चला गया, यहाँ पे बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। अब वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे वो पुलिस ने और फौज ने मिलके किए, तो उसमें या रेंजर्स ने मिलके किए या आपने काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट से मिलके किए, तो वो ऐसे ऑपरेशन थे जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो जहन्नुम वासिल किया गया, बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, बहुत सारे दहशतगर्दों को जो है वो अपना कैफरे करदार तक पहुंचाया गया। तो ये चीजें एक बेहतर थी जो सिविल और मिलिट्री कोऑपरेशन थी। लेकिन जहां पे बुनियादी चीज है वो ये, आपने आज तक एक जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाई थी उस वक्त ये कहा था कि एक अल्टरनेटिव कानून शहादत और आपका जुडिशियल सिस्टम जो है उसको डेवलप करना होगा ताकि आपकी डिपेंडेंसी जो है एक चीज पर न रहे बल्कि आपकी जो अदालतें हैं उनका किरदार भी बढ़े, उनका दायरे इख्तियार भी बढ़े, उनकी कैपेसिटी भी बढ़े। लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है अगर सिविल साइड पर इस चीज को देखें कि आज तक जो हमने अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम देना था उसके ऊपर 0 भी काम नहीं हुआ है, और ये पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में नहीं है, ये हमारे अवाम के जानो माल के हिफाजत के लिए नहीं है। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। आज बहुत सारी पार्टियां जैसे फजल रहमान जैसे लोग हैं
जो आपको पता है चमक पे चलते हैं, आज वो अपना कोर्ट्स की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि जी मिलिट्री कोर्ट, हालांकि मिलिट्री कोर्ट्स की अगर आप प्रोग्रेस देखें तो उन्होंने 160 के 164 केसेस जो हैं वो डिसाइड कर दिए दिन रात मेहनत करके, लेकिन अब ये फजलुर रहमान जैसे लोगों का आप क्या इलाज करेंगी जिनको ना तो परफॉर्मेंस नजर आती है ना वो ये देखते। तो ये जो चीजें सिविल की है ये बहुत बड़ी, ये बहुत भयानक, ये बहुत गंदी चीजें। इस किस्म का किरदार जिन लीडर्स का होगा वो आप याद रखिए वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। ये लोग, ये जो आज शख्स ये कहे ना कि आप इस चीज को कंटिन्यू ना करें क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए एक स्टेबिलिटी का, एक बेहतर गवर्नेंस का, वो याद रखते हैं, वो ये याद रखिएगा वो लीडर पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के मुखालिफ है। क्योंकि आपको, आप देखिए दुनिया पूरी में, पाकिस्तान कोई अचंभा नहीं है, पाकिस्तान एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहा है और पूरी दुनिया में जब गैर मामूली किस्म के इकदाम हालात होते हैं तो उसमें गैर मामूली किस्म के इकदाम किए जाते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ये इकदाम अमरीका में भी किया, ये कदम फ्रांस ने भी उठाया, बर्तानिया में आपने बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दी को रोकने की चीजें की हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंपिंज करती है। इंडिया में देखिए क्या इंडिया किस तरह मार रहा है कश्मीर में लोगों को, किस तरह उसने कुछ फटे हुए लोग हैं, कोई थर्ड क्लास लोग हैं, तारिक फतेह और इस किस्म के लोग जैसे लोग जो है बेकरदार लोग हैं जिसको उन्होंने पनाह दी है और पाकिस्तान के खिलाफ बुला रहा है। तो आपका जब दुश्मन आपका ऐसी काम कर रहा है, वो दुश्मन जिसने पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाया है, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई है, जहां अजीत कुमार डेविल जैसे लोग आके और नरेंद्र मोदी जैसे लोग आके बरबला ये कहते हैं। साहब हमें भी अपनी पॉलिसीज को उसी लिहाज से मजबूत करना चाहिए और सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में सोचना चाहिए, अपने मफादात को बलाए ताक रखकर सिर्फ पाकिस्तान के मफाद में सोचते हुए पाकिस्तान की पॉलिसीज जो है इनको बनाना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है आप उसको किस हद तक मजबूत समझते हैं, आप समझते हैं कि इसमें अभी कुछ जो है इसको दुरुस्त करने की जरूरत है? पहली बात तो ये याद रखिएगा और ये आप इसको देख लीजिए तमाम ममालिक के वाले, खारजा पॉलिसी जो होती है वो बड़ी डायनामिक होती है, वो स्टैटिक नहीं होती, वो बदलते हुए हालात के साथ बदलती रहती है। जैसे आप देखिए दुनिया में अगर आप अपने मुल्क भारत को नेबर को उठा के देखे, एक जमाने में वो रूस का लाया था, अभी वो अमेरिका की गोद में खेल रहा है और रूस के साथ भी उसने ताल्लुकात रखे हुए हैं, अमेरिका से वो दफाई मायदे भी कर चुका है, अमेरिका से वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो है वो कंसेशन भी ले चुका है। पाकिस्तान जिसने इस तमाम अरसे में, अब अमेरिका के कहने पे इससे पहले रूस के खिलाफ जंग लड़ी और आज जो है अमेरिका के कहने पे अमेरिका की इम्पोज की हुई, मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग है, इसमें हमारे अपने तो कसूर हैं ही, हमारे अपने अंदर तो ऐसी और तंजीमें जन्म ले चुकी हैं कुछ सेक्टरिज्म पे, कुछ बिलीफ पे, कुछ अपनी आइडियोलॉजी पे जिन्होंने पाकिस्तान के लोगों के जान और माल को नुकसान पहुँचाया, लेकिन इसमें बहुत सारा हिस्सा जो है वो CIA की फंडिंग का है, बहुत सारा हिस्सा रॉ की फंडिंग का है, बहुत सारा हिस्सा जो है अमरीका की गलत पॉलिसीज का है। और इस चीज़ को हिलरी क्लिंटन ने बजाते खुद कहा था जब कि जी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका के लैक ऑफ विजन की वजह से हो रही है, क्योंकि रूस के साथ जब जंग लड़ी तो जितने भर्ती किए थे 35,000 लोग जहाद के नाम पे CIA ने और अमेरिका ने, वो आपके रह गए फाटा में और बाकी इलाकों में, तो अमेरिका ने उसके बाद यहां से बोरिया बिस्तरा पकड़ा और चला गया। तो ये उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे जो हम काट रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को डिच कर दिया, कभी अकानी नेटवर्क पर डिच करता है कभी कुछ, तो अभी तो वहां पर ट्रंप आ रहा है और ट्रंप का आपको पता ही है उसने अपनी चीजों को किस तरह कर दिया, 20 तारीख को उसने ओथ लेना, उसके बाद वो क्या करेगा। तो ये चीजें जो होती हैं ये बदलते हुए हालात साथ बदल, अब हमें जरूरत इस समर की है क्योंकि बहुत सारे लोग हमको ये कहते जा रहे हैं जी, हमारे बहुत सारे दानिश्वर भी आए जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, जी पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान आइसोलेट नहीं हो रहा। पाकिस्तान की एक, मैं ब्रिजनिस्की की एक किताब है दी ग्रैंड चेस बोर्ड, उसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल पिवोटल लोकेशन है ना, उसको जो एक्सपेंडिंग पावर्स है ना, जो डेवलप्ड पावर्स हैं वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती। पाकिस्तान का लोकेशन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि इसके ऊपर लोग ममालिक को, अमेरिका जैसे ममालिक को डिपेंड करना पड़ा पाकिस्तान का। आपको याद है जब अमेरिका से चाइना के ताल्लुकात हुए थे तो किसने मदद की थी, पाकिस्तान ने यहाँ से एक सीक्रेट फ्लाइट लेके गए थे चाइना और पाकिस्तान ने चाइना से बात करके अमेरिका को ओपनिंग दी थी।
तो ये जो चीजें इसको पाकिस्तान को यूटिलाइज कराना है। अब इसमें एक तो आपकी आउटरीच है अपने खित्ते में, आपका नेबर मुल्क है अफगानिस्तान, आपका मुल्क है इंडिया, तो आपका मुखालिफ है, इंडिया आपका दुश्मन है, इंडिया से आपके आपके ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सकते। जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक होते वो एमको की जन्नत में रह रहे हैं, या तो वो एमको की जन्नत में रह रहे हैं या वो इंडिया के पैसे पे पलते हैं। और बहुत सारे आपके एंकर पलते हैं, कुछ एंकर इंडिया के पैसे पे पलते हैं, कुछ आपके जो एनालिस्ट है इंडिया के पैसे पे, कुछ बांग्लादेश के पैसे पे पलते हैं कि वहां जाके अवार्ड लिया, यहाँ आके बातें करते हैं। तो इस किस्म के गंदे चेहरे जो है ये इन चीज इनको पहचानिए जो पाकिस्तान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अफगानिस्तान हो गया उससे ताल्लुक, जैसे अभी आपने देखा कमर जावेद बाजवा साहब ने फोन किया, अफगानिस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुक को बेहतर करने की जरूरत है। और पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि हम अफगानिस्तान के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम उसको आउटरीच कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ आप देखिए जिस तरह जब से खास तौर पर सी पैक शुरू हुआ है उससे तकलीफ है इंडिया को, और सी पैक जो है वो एक अगर वो सही तरह पे इम्प्लीमेंट हो जाए और हमारे यहाँ उससे सियासी खेल ना खेला जाए जो बहुत सारे लोग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वॉर्न कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सी पैक को जो है वो तनाजा बनाना चाहते हैं, तो इसके तनाजुर में बहुत सारे ममालिक हमारे पास आएंगे। अभी बरतानिया का आ रहा था कि जी उसको भी इंटरेस्ट है सी पैक में, रशियन को भी इंटरेस्ट होगा सी पैक में। तो हमें अपनी पॉलिसी को रीमॉडल करना है इन चेंजिंग रियालिटीज से, जो रियलिटीज अमेरिका में चेंज हो रही है, लीडरशिप चेंज हो रही है, हमें वहां पे देखना है कि जी किस तरह हमने उनके साथ चलना है। फिर आपने जिस तरह इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपना पैक्स में दाखिल हो रहा है उसके हिसाब से हमने एनालाइज करना है कि हमने किस तरह रशिया के साथ हमें अपने बेहतर ताल्लुकात बनाने हैं, चाइना को हमने एश्योर करना है कि चाइना के ऊपर चाइना के साथ पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस जो है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ता जाए, और हम वो तमाम चीजें सी पैक के हवाले से करें जो चाइना हमसे एक्सपेक्ट करता है, ताकि हम वो चीजें डिलीवर कर सके जो चाइना इनिशिएट कर रहा है, हमारे इंप्लीमेंट हो रही है, और वहां से निकल के ना सिर्फ अफगानिस्तान सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बल्कि पूरी दुनिया में जानी है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमने ताल्लुकात अपने बेहतर करने, आपने कहा कि वक्त के साथ साथ हालात के साथ साथ हमें अपनी पॉलिसीज को रीमॉडल करना चाहिए, जिस जिस तरह हालात जा रहे हैं, जिस जिस तरह जरूरत महसूस की जा रही है, आपको लगता है कि हमारे यहाँ उस तरह पॉलिसीज बन रही है, उस तरीके से काम हो रहा है? असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि एक सेंट्रलाइज्ड चीज होती है और हर चीज का एक पिवट और एक सेंटर होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, यानी एक आदमी जो है वो तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं या तमाम जो ताकतें हैं, तमाम जो इश्यूज हैं, उनका मालिक नहीं है। हमारे यहाँ आज सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब ने फॉरेन पॉलिसी को सेंट्रलाइज्ड अपने अंडर रखा हुआ है, आपका कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है। फॉरेन एडवाइजर्स और मिनिस्टर के लेवल्स में बहुत फर्क होता है। एक बेवकूफ सी बेवकूफ हुकूमत भी होती है वो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जरूर रखती है। तीन चीजें बड़ी कार्डिनल होती है एक रियासत में, फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस और आपकी जो इकोनॉमिक्स है, ये तीन चीजें आपकी इंटर रिलेटेड होती है। इसके लिए आपको हम फुल टाइम जो है फॉरेन मिनिस्टर की जरूरत है। तो हमारी पॉलिसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि आपके पास फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, इसीलिए आप देखती हैं कि आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रियलिटी के हिसाब से नहीं होती हैं। जैसे मैं आपको एक बयान दूंगा कि जब ट्रंप से बात हुई गवर्नमेंट की, उन्होंने सारी चीजें लीक कर दी। अब उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर कितना अपना क्रिटिसिज्म आया, कितना नुक्ताचीनी की गई। इसके बाद इंडिया से एक मुलाकात हुई थी जहां पे अपना प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मोदी को मिलने चले गए थे, मोदी अपनी जगह पे खड़ा था, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई 30 कदम चल के गए थे और उसे हाथ मिलाया था, जो एक जो तहजीब के बहुत ज्यादा खिलाफ था। उसके बाद उसमें जो कश्मीर का जिक्र नहीं आया, इसलिए कि आपका हमा वक्ती फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है। तो जब तक आप एक फॉरेन मिनिस्टर को लेके नहीं आएंगे, पाकिस्तान की पॉलिसी रियलिज्म के अंदर नहीं आएगी, रियलिस्टिक नहीं होगी। एक जो उसके टेंटिकल्स जो मुख्तलिफ इलाकों में चलते हैं ना, जो न सिर्फ ये कि आपकी बायलैटरल रिलेशन बल्कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एक कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी इशू कहा जाता है, उसके हिसाब से नहीं होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी, अभी तारिक फातमी साहब कहीं जा रहे हैं, सरताज अजीज साहब कहीं जा रहे हैं, और ये दोनों उम्र के सस्ते में है कि इनको अभी आराम करना चाहिए, तो ये उन इश्यूज को चला रहे हैं जो पाकिस्तान के सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है आपके पास फॉरेन मिनिस्टर कोई नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन पाकिस्तान हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत से अगर बात की जाए तो उनका यह कहना है कि मुशीर खारजा, सरताज अजीज साहब जो है, इनकी
کی پرفارمنس سے یہ لوگ مطمئن ہیں اور وزیر خارجہ جو ہے ان کی تعیناتی وہ ضروری نہیں سمجھتے. یہاں پر ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے انڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انڈیا کی جو لابی ہے پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایسا دیکھا گیا ہے کہ مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے. آپ کس طرح سے پاکستان کی لابی کو دیکھتے ہیں, پاکستان کی جو پالیسی ہے انڈیا کے حوالے سے, کیا ہماری پالیسی بھی اتنی اسٹرانگ ہے جتنی انڈیا کی ہے؟ ہماری پالیسی اسٹرانگ نہیں ہے ہم, اور اسٹرانگ کا مطلب تو مختلف طریقوں سے لیا جا سکتا ہے, لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہم نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی ہم نے انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات بہتر بنانے کے لیے بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں, بہت سارے قدم آگے بڑھائے ہیں, نہ صرف تجارت میں بلکہ ہم نے جیسے سیکٹری لیول ٹاکس ہوتی ہیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا ستاج عزیز صاحب وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس اٹینڈ کرنے چلے گئے تھے, حالانکہ انڈیا ساک میں نہیں آیا بلکہ باقی ممالک کو بھی انہوں نے مجبور کیا کہ وہ ساک میں نہ آئیں, اور میں نے دیکھا کہ آپ, میں نے آپ کو بھی بتایا کہ انڈیا نے, پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا نے کچھ اپنے علاقے میں کچھ کتے پال لیے ہیں, جن میں ایک طارق فتح ہے, طارق پھٹا ہے جو بکا ہوا ہے, مول ہے جو رو کا مول ہے, جو مسید کا مول ہے, جو رو کا مول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کوئی شنواری بھی پال لیا ہے, ایک اور بندہ بٹھایا ہوا ہے جو روزانہ پاکستان خلاف مغلزات پر. یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ ہیں آصف احمد علی صاحب. بہت شکریہ آصف علی احمد صاحب پروگرام میں مجھے جوائن کرنے کے لیے. آصف احمد علی صاحب فرمائیے گا, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی پالیسیز کے حوالے سے, کیا وہ درست سمت میں جا رہی ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں, اب وہ ایک تو کمزوری واضح ہے کیونکہ فارم منسٹر نہیں ہے پاکستان کا جی, اور اس سے اور دو وہاں سربراہ ہیں ایک ہی ادارے کے, تو ان کی جو کھینچتانی ہے اسے بھی تو نقصان تو ہوتا ہے, اور پھر جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو دلچسپی لمبی چوڑی ہے نہیں ہے فارن پالیسی میں, نہ وہ انڈیا پہ کبھی بولتے ہیں, نہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کچھ کبھی فرماتے ہیں, نہ افغانستان کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں, تو ان کی عدم دلچسپی جو ہے وہ بھی اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی پرائورٹی نہیں ہے خارجہ پالیسی کو چلانا, اس کو کامیاب بنانا. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت تو کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتی ماں سوائے جو اس کے پسندیدہ دو چار منصوبے ہیں انہیں کے اوپر ان کی توجہ ہے اور کسی چیز کے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی حکومت کی جو توجہ ہے وہ میگا پروجیکٹس کی جانب ہے. آپ کیا کہیں گے آصف احمد علی صاحب, نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے حکومت کا کس حد تک فوکس ہے اور آنے والے دنوں میں کس حد تک اس کو مزید سنجیدگی سے لیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, ہمیں تو مجھے تو فوکس نظر آتے نہیں ہے کیونکہ جو نیشنل ایکشن پلان کے جو 19-20 نکات تھے, اب اگر دیکھیں غور تو کون سے صوبے نے یا وفاقی حکومت نے پوائنٹس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے, تو یہ تو بہت کم اس پہ عمل درآمد نظر آ رہا ہے. تو ایسے لگتا ہے انہوں نے سب کچھ فوج پہ چھوڑ دیا تھا اور وہ خود اپنے پیچھے ہٹ کے آرام سے اپنے کام کر رہے تھے اور اسی بات پہ مگن تھے کہ فوج مشغول رہے اس جنگ میں اور ان کی جان چھوٹی رہے اور وہ اپنے کام کرتے رہے, ماں سوائے اس کے انہوں نے کوئی, اب دیکھیں نارتھ وزیرستان ہے وہاں کی ری سیٹلمنٹ ہونی تھی اور وہ انہوں نے اتنے کم فنڈ دیے کہ وہ بالکل بہت ہی ایک سلو پروسیس ہے, اور اب وہ کچھ افغانستان سے جو چلے گئے تھے مہاجرین وہ واپس آ رہے ہیں اور آئی ڈی پیز, اور ابھی بھی بہت سے آئی ڈی پیز جو ابھی سیٹل نہیں کیے گئے, تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی خاص دلچسپی نہیں ہے, بائے امر مجبوری وہ کرتے ہیں جو فوج کا ڈنڈا اوپر آتا ہے. اب ملٹری کورٹس کا جو ہے اس کے بارے میں اب وہ انہوں نے معاملہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جی پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیا ہے, پارلیمنٹ کرے پارلیمنٹ کی مرضی ہے. بھی آپ دیکھیں حکومت میں آپ کی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں جی, اور آپ کیوں نہیں کمٹ کرتے کہ آپ ایک سال یا چھ ماہ یا جتنا بھی اور ضروری سمجھا جائے ان کورٹس کو بحال کرنے کے وقت درکار ہے, اتنا وقت آپ کمٹ کریں
फिर आप पार्लियामेंट के पास जाएं और कहें कि जी हमारी कमिटमेंट है जी। तो मेजोरिटी भी इनको भी मिल जाएगी, मगर इनकी कोई ऐसी मुझे कमिटमेंट नजर नहीं आती। अच्छा आसिफ साहब, आप भी साबिक वज़ीर ख़ारिजा रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो पाकिस्तान के थे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अमेरिका की जानिब से हमेशा ही पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया जाता है। 20 जनवरी के बाद अमेरिका के जो नौ मुंतखब सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो भी बाकायदा तौर पर अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। आप किस तरह से पाकिस्तान के और अमरीका के ताल्लुकात देखते हैं? इसमें जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी अमरीका में पॉलिसी जब बनेगी, फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप साहब छक्के लगा रहे हैं, बाउंड्रियां लगा रहे हैं, कभी वो नेटो को टारगेट बना देते हैं, कभी रूस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं, फिर कोई पीछे खींच लेते हैं। अभी तो वो अनश्योर है, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने करना क्या है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, डीलें करने के, सौदे करने के पुराने वो आदि है, तो वो शायद यही समझते हो कि दुनिया सौदों पर चलती है, मगर उनको जो जिंदगी के और दुनिया के हकायक व्हाइट हाउस में जब पहुंचेंगे उन्हें बताए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ वो वही करेंगे जो कि स्टेट डिपार्टमेंट और उनकी जो CIA की जो मेन पॉलिसीज हैं उन्हीं पे ही वो कारबंद रहेंगे, ठीक है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। आसिफ अहमद अली साहब आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा, इस वक्त स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब। ब्रिगेडियर साहब मैं कहीं मसरूफ हूँ, एक सवाल पूछ लीजिए फिर इजाजत दीजिए मुझे। ठीक है आसिफ, आसिफ साहब मैं आपके पास वापस आती हूँ, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ जी। आसिफ साहब, आसिफ साहब ये बताइएगा कि आप किस तरह से देखते हैं, क्या पाकिस्तान को अब अमेरिका के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से और खास तौर पर इंडिया के हवाले से अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना होगा? देखिए अब इंडिया की पॉलिसी वो तो हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है जी जी, हम तो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के साथ कशीदगी इस हद तक बढ़े, ठीक, हम तो चाहते हैं हालात नॉर्मलाइज हो और जो जो बायलैटरल टॉक्स है वो दोबारा रिज्यूम हो और हम जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, तनाजात हैं, उनके हल की तरफ जाएं। ठीक, हमारी तो ये एक दरीना कोशिश ही रही है, पर हमें अब वो एक लताड़ा जा रहा है और वो नरेंद्र मोदी जो अपनी नाकामियों। बहुत शुक्रिया आसिफ अहमद अली साहब, साबिक वज़ीर ख़ारिजा, रॉयल न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ मैं बढ़ती हूँ, आपने भी बात सुनी, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को बाकायदा तौर पर हल्फ उठा लेंगे, आपसे भी मैं यही सवाल करती हूँ कि आप पाकिस्तान के साथ अब ताल्लुकात किस तरह के देखते हैं अमरीका के? पहली बात याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप में और CIA में बहुत ज़्यादा कशमकश चल रही है, इंटरनल बड़ी चीज़ें, कोल्ड वॉर, सर जंग, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एतराज़ किया है जो लीक्स हुई हैं उसका, खासतौर पर रशिया के हवाले से, उसका जिम्मेदार जो है उसने उन्हें अपना CIA को ठहराया है, तो CIA के DG उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा है अमेरिका की तारीख में कि CIA को सियासी बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये टसल तो उनके दरमियान चलेगी, इसलिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह चाह रहा है चीज़ों को करना, उस तरह उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट या पेंटागन या CIA है वो उसको उस तरह प्रिसीव नहीं करते, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पे बात चलती है CIA की और पेंटागन की, फौज का वहाँ पे बहुत सेइंग है, वो जो कहेंगे उसी तरह काम चलेगा, लेकिन क्लैशेज आएंगे। अब पाकिस्तान को कहते हैं ना कि वेट एंड सी वाली बात है, क्योंकि एक बात तो आप याद रखिए, हमने हद से ज़्यादा तआवुन किया बुश के ज़माने में, हद से ज़्यादा तआवुन किया बारक ओबामा के ज़माने में, और ओबामा जब हल्फ ले रहा था तो मुझे याद है कि पाकिस्तान में उनके ऐसे चल रहे थे जैसे कोई वो मुस्लिम ओरिएंटेड है और उसका नाम बारक हुसैन ओबामा कहा जाता है, लेकिन उसके ज़माने में अगर आप देखिए तो जो अपना ड्रोन अटैक्स हुए हैं वो अपना वो बुश से भी ज़्यादा है, और उसने एक ऐसी पॉलिसी इख्तियार की जिसमें CIA को उसे इख्तियार दे दिया था कि जिधर भी मारना चाहते हो मारो, तो ये इस बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ इतना ज़्यादा तआवुन किया है जितना आप गिन सकती हैं, और आपने देखा कि जब टॉक्स शुरू हुई, जिस वक्त पीस टॉक शुरू हुई, पहले मरी में टॉक हुई थी, उससे पहले अपना चाइना भी वो लोग गए थे, तो जब ये टॉक्स का तीसरा राउंड था तो उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, एक शोशा छोड़ दिया जो अपना उसके मुल्ला की डेथ के बारे में था, अब जब वो हो गया उसके बाद वो तमाम की तमाम टॉक्स हो गई, फिर जब टॉक्स शुरू हुई तो मुल्ला अख्तर मंसूर उसको, हालांकि वो कॉपरेट कर रहा था,
वो बात करना चाहता था तो उसको क्वेटा से आते हुए उसको टारगेट कर दिया। तो ये है दोहरा मियार अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का और अमेरिकन लीडरशिप का, और ये दोहरा मियार परसिस्ट करेगा। अब पाकिस्तान, अब जाते जाते बाराक ओबामा ने क्या किया है कि इंडिया को तो वो है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी रिजीम जो, उसको तो वो पंप कर रहे हैं, उसकी तो मेंबरशिप दे रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर उसने जाते जाते 6 अदारे हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। इससे आप देखिए उनका घनावना चेहरा जो हम पहचानने की जरूरत है कि कितना वोट, कितना उनका मतलब है हिपोक्रेटिक रवैया है। जिस लेवल तक आप जा सकती हैं उस लेवल तक उनका मक्काराना रवैया है पाकिस्तान के बारे। तो अगर तो हम ये सोचते हैं कि आने वाले दिनों में तब्दील हो जाएगा, तो ट्रंप के आने के बाद तो मुझे तब्दील होता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान को अपने जो ऑप्शन है, पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसी है, पाकिस्तान को अपने जो रिलेशन है, क्योंकि अब दुनिया में नई कोलिशन बनेगी, नए एग्रीमेंट्स होंगे, नई जो नए लोग जो हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह जो कुछ कहा है और जिस तरह वो चीजें हो रही है उसमें अमेरिका की पॉलिसी से थोड़ी बहुत शिफ्ट होती नजर आएगी। तो हमें अपने जो दोस्तों को, जो हमारे जहां पे आउटरीच है उसको, जहां हम जा सकते हैं उधर, हमें लोगों को इत्मीनान में लेके अपनी पॉलिसी, एक फर्म पॉलिसी बनानी है कि हमने अमरीका बहादुर के साथ कहाँ तक तआवुन करना है, कहाँ तक तआवुन नहीं करना है। क्योंकि एक इंडिया ट्रंप पहले ही दे चुका है, जब उससे पूछा गया था पाकिस्तान के बारे में तो उसने कहा कि मैं इंडिया को इस्तेमाल करूंगा पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान को रेन इन करने के लिए। ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि इंडिया को आपने कहां तक लीवरेज देनी है, जो इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी फुला रहा है नरेंद्र मोदी और अजीत कुमार डेविल के जरिए, और जो कुलभूषण जैसे लोग और उनके नेटवर्क यहाँ मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे फिलोसफर मौजूद हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल मौजूद हैं जो इंडिया की जबान बोलते हैं, जो यहाँ तक कह जाते हैं कि जी राव तो कोई आउटसाइड एक्टिविटीज करती नहीं है, आपके एनालिस्ट बैठे होते हैं रोजाना, वो चिड़ियां उड़ा रहे होते हैं, और ये इस किस्म के चेहरों को पहचान के, इस किस्म के लोगों को नलीफाई करके आपने अपनी पॉलिसियों को रियलिस्टिक करना है चेंजिंग हालात के मुताबिक। और अगर पाकिस्तान अपने स्टैंड पे कायम रहे अपनी पॉलिसी को, और कोई आप कुल वक्ती फॉरेन मिनिस्टर लगाएं और उसको कोई इनिशिएटिव दें कि प्राइम मिनिस्टर साहब हर जगह जाके विजिट ना करें, कहा गया प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, आप मुझे बता दीजिए कि इन 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई है, 0 है। दुनिया आज ये लिख रही है कि पाकिस्तान ने एक भी कदम नहीं उठाया जिससे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो एनकरेज कर सके। तो ये परफॉर्मेंस है, अगर तो ये परफॉर्मेंस रही फिर तो आप देख लीजिए जिस तरह आप जा रहे हैं और जिस तरह जो चीज़ें हो रही हैं, जो डिबैकल्स हो रहे हैं, उसी तरह की चीज़ें होंगी, उसमें कोई तब्दीली होती नजर नहीं आएगी, बल्कि अमेरिका आपको और प्रेशराइज करेगा, इंडिया प्रेशराइज करेगा। ब्रिगेडियर साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हुए थे सदर, तब उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से फोन पर भी बात हुई थी, उन्होंने कश्मीर का इशू जो है उसको रिजोल्व करने में कुछ इंटरेस्ट शो किया था, आपको लगता है आने वाले दिनों में ये मोविन साबित होंगे? कश्मीर तो जो इशू है उसमें पाकिस्तान ने अपना स्टांस अगर फर्म न रखा और आपने पूरी डिप्लोमेटिक और फुल सपोर्ट कश्मीरियों को प्रोवाइड नहीं की, आज जो कश्मीरी जंग लड़ रहे हैं उसको पूरी दुनिया कह रही है कि वो इंडिजीनियस स्ट्रगल है, उसमें कहीं भी फॉरेन आउटसाइड इन्फ्लुएंस नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए इंडिया परेशान है कि वहाँ पे तमाम जुल्म करने के बाद, पैलेट गज यूज करने के बाद, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने के बाद, लोगों को जलील करने के बाद, औरतों की अस्मत दरी करने के बाद, बच्चों को मारने के बाद, इंडिया उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सका और कर भी नहीं सकेगा, चाहे वो किसी भी किस्म के हथकंडे आजमा। पाकिस्तान को उस इशू को लेके दुनिया में भी जाना है और दुनिया को ये रियलाइज कराना है कि इंडिया जो जुल्म ढा रहा है, जो जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं, वो इंसानियत की भी तस्दील है, वो इंसानी हकूक की भी तस्दील है। और इस चीज को सिर्फ एक शख्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहां तो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन वो शख्स है जिसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, वो आपका कश्मीर कमेटी का शख्स है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कहां सीरियस है कश्मीर का उससे? कश्मीर कमेटी का शख्स चेयरमैन ऐसा आदमी होना चाहिए जो बाहर जाके लोगों से बातचीत कर सके, उससे मुल्क में कोई बात नहीं करता उस शख्स से, वो आपको पता है कि उसकी क्या प्रायोरिटीज है, किस तरह वो चीजों क्या उसकी तरजीहात है। तो उस शख्स को जब आप कमेटी का चेयरमैन लगाएंगे तो हम तो कश्मीर इशू से खेल रहे हैं ना, हम तो वैसे फिर तो वो जो थे रेटोरिक्स लफाजी की जंग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीरी कुर्बानियां देते जा रहे हैं, और हम उसको जो है एक सही तौर पर उस इशू को दुनिया में अगर पेश नहीं करेंगे तो ये कश्मीरियों के साथ
वो इस हालांकि इसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब जब गए थे यूएनओ में उन्होंने जाके वहां पे कश्मीर का मुद्दा उठाया और उसके बाद फिर तमीना जंजुआ ने कहा, उसके बाद फिर मलिया लोधी ने कहा और मुख्तलिफ मौकात, लेकिन इसको तसलसल से करने की जरूरत है और इसको आपकी एम्बेसीज से करने की जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि इसके ऊपर आपको लॉबिस्ट हायर करने की जरूरत है और हाँ अमरीका को हम प्रेशराइज करें कि दुनिया में यूएनओ को प्रेशराइज करें, अब नई सेक्रेटरी जनरल आए हैं उनको कहे कि जी आप अगर ईस्ट तैमूर का मसला हल कर सकते हैं बाकी मसाइल हल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, लेकिन क्योंकि यूनाइटेड नेशन रही नहीं है, वो यूनाइटेड नेशन कॉर्पोरेशन बन गई है तो कॉर्पोरेशन तो मसले हल नहीं करती, कॉर्पोरेशन तो इन्वेस्टर पे चलती है और इन्वेस्टर अमेरिका है जो अमेरिका बहादुर कहेगा। इसीलिए आज तक यूएनओ में एक टाइम वैसे भी आया था कोफी अनान के जमाने में जब कश्मीर को डिस्प्यूटेड लिस्ट से निकाल दिया गया था। तो अगर हम अपना स्टांस मजबूत नहीं करेंगे और उस स्टांस मजबूत करने के लिए जरूरत है कि एम्बेसीज के फोरम को बाहर इस्तेमाल करें, आप वहां पर सेमिनार्स कराएं, कश्मीर कमेटी के लोग वहां जाएं, कश्मीर कमेटी का चेयरमैन चेंज करें, लेकिन ना वो चेंज होगा ना फॉरेन मिनिस्टर लगेगा और ये जिस तरह हम चल रहे हैं इसी तरह मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी चलते रहे, चाहे अमरीका कहे कि हमने मसला कराना है या यूएनओ, लेकिन हम अपनी तरफ से इन चीजों को जो बुनियादी चीजें इनको ठीक करने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी लानी चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए तभी ये मसाइल हल होंगे। ब्रिगेडियर साहब, डॉक्टर आफिया के हवाले से आप क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या हमारी गवर्नमेंट की जानिब से बात की जाएगी कि उनकी जो है रिहाई करवाई जाए? बहुत बड़ा जुल्म है डॉक्टर आफिया और बहुत बड़ा तमाचा है अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी के मुंह पे और बहुत बड़ा तमाचा है अमेरिका जैसी लीडरशिप के मौके पे कि आप एक औरत के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। आप कहते हैं आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, दे आर ह्यूमिलेटिंग वुमन, और उस औरत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है वो मैं कहूँगा कि वो तजलील है अमेरिकन लीडरशिप की, इट्स इंसल्ट फॉर अमेरिकन लीडरशिप। लेकिन ना तो वो इस चीज से पीछे हटेंगे ना वो कुछ भी कर सकते हैं, अमेरिका कुछ भी कर सकता है। अबू गरीब इराक की अबू गरीब जेल याद करें, गुंतानामा बे में आज तक लोग पिट रहे मर रहे पागल हो गए, अबू गरीब में इन्होंने लोगों को पागल किया, उस जेल की दीवारें आज तक रो रही है। तो जिस फौज का जिस हुकूमत का जिस डेमोक्रेसी का ये किरदार हो उससे आप क्या तवक्को कर सकते कि आने वाले दिनों में, या पाकिस्तान ने तो आज तक मसला उठाया ही नहीं है ना आइंदा उठाएगा और ना अमरीका। तो जिस तरह बाकी ममालिक खासतौर पर अमरीका अपने मफाद की बात करता है उसी तरह पाकिस्तान को भी सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की बात करनी चाहिए जो कि पाकिस्तान के मफाद में हो और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर हो, और जो पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं इनको खासतौर पर रियलिस्टिक करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को फायदा हो और पाकिस्तान की आवाम को फायदा हो। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर इंशाल्लाह इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।